सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज मीनिंग इट शुड बी क्लियर टू यू. पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, मीनिंग क्लियर करो. देन इसकी इंपॉर्टेंस, चाहे इंपॉर्टेंस आए, फीचर्स आए, डायरेक्ट तो नहीं आएंगे लेकिन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बेस होगा. तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस, उसकी रिकॉग्निशन बतानी है सोसाइटी में, कंट्री में. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना क्यों होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो आपने कॉमन बता दो. कैसे बता सकते हो? लाइक इसके बारे में बताओ दैट पॉलिटिकल पार्टीज रिवॉल्व अराउंड लीडर्स. कोई भी पार्टी हो वो अपने लीडर के आसपास ही रिवॉल्व करती है, क्योंकि एक लीडर, टॉप लीडर चाहिए होता है किसी पार्टी को संभालने के लिए. पॉलिटिकल पार्टीज वेल ऑर्गेनाइज होती हैं, इनके प्रॉपर मेंबर्स होते हैं, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, वेल डिसिप्लिन्ड होती हैं. कईयों की कंट्रीज में ब्रांच होती है, कईयों की एक पर्टिकुलर स्टेट में ही होती है. मेंबर्स हैव कॉमन आइडियोलॉजी. इन पार्टीज की आइडियोलॉजी कॉमन होती है, जो मैनिफेस्टो होता है वो कुछ इश्यूज उनके कॉमन होते हैं. देन अबिलिटी टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन. पॉलिटिकल पार्टीज में क्या अबिलिटी होती है कि वो पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. समाज में कुछ भी होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सोसाइटी में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि लीडर्स जो है वो जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो ये हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है इनका मेन प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं होता, इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर. ठीक है, इसके बाद और आप क्या बता सकते हो? दैट हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए? फॉर मेकिंग बिग पॉलिसीज. इतने सारे रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज हैं, तो अगर कोई एक पर्सन होगा डिक्टेटर बन जाएगा, एक पार्टी होगी वो भी डिक्टेटर बन जाएगी. लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो अपने अपने सेक्शंस को क्या करते हैं, एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि कंट्री के लिए सेम पॉलिसीज बने लेकिन वो सबके फायदे के लिए. देन रिप्रेजेंट जो है हमारी कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, दीज आर फ्रॉम द कॉमन पीपल. यानी कि जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के MLAs या MPs हैं, कभी ना कभी तो वो कॉमन पीपल होंगे ना, तो ये कॉमन पीपल ही आगे जाकर MLA बनते हैं, जो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या कहती है, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, फॉर द पीपल. यानी कि हमारी कंट्री को कोई मनाक रूल नहीं करता, किंग रूल नहीं करता, बल्कि कौन रूल करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स. देन इसके बाद क्या है, हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अगर तो वो रूलिंग पार्टी बन जाती है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो रूलिंग पार्टी नहीं करती तो वो क्या करती है, मेजर रोल इन अपोजिंग द रूलिंग पार्टी उसको. हाँ जी माधव, ठीक है. ऑपोजिशन, ऑपोजिशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है. तो ये है हमारी कंट्री की. अब रशिया में पुतिन जो भी कर रहा है, क्या कोई ऐसी न्यूज आई कि रशिया के लोग पुतिन के अगेंस्ट है? क्योंकि वहां पे क्या है, ओनली वन पार्टी. ठीक है, अगर हमारी कंट्री में ऐसा होता ना तो हमारी अपनी ही कंट्री की ऑपोजिशन हमारी कंट्री के अगेंस्ट होता, लेकिन रशिया में नहीं. पुतिन को आज का मॉडर्न हिटलर कहा जा रहा है. तो मैंने दे दिए थे. व्हाट हैपेंड माधव, माइक ऑफ करो अपना, अदरवाइज आई एम गोइंग टू. देखो ना, वीडियो ऑन किया आपने. हाँ जी, ठीक है. तो आज के टाइम पीरियड में पुतिन को आज का मॉडर्न हिटलर कहा जा रहा है, डिक्टेटर. लेकिन अगर यही अगर हमारी कंट्री में होता, पॉलिटिकल पार्टीज होती, तो शायद ऐसा कभी ना होता. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किसी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कितनी स्ट्रांग है. अब आ जाओ इसके बाद, इसके कॉम्पोनेंट्स, थ्री कॉम्पोनेंट्स आर देयर. लीडर होता है किसी भी पार्टी में, लीडर के साथ उसके आसपास कौन होते हैं, उसके मेंबर्स, और मेंबर्स हम लोग क्या है, फॉलोअर्स. अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आता है तो लीडर्स की कैपेबिलिटीज बता दो, लीडर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडर कैसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एक इम्पॉर्टेंट टॉप पोजीशन पर लेकर आते हैं. मेंबर, हाँ, गुड स्पीकर होना चाहिए, जैसे डायनेमिक पर्सनालिटी, सारी हिटलर की बता दो. अगर मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर्स का रोल क्या होता है, मेंबर्स का रोल क्या होता है, अपने लीडर की बात को सुनना, उसको सोसाइटी तक कन्वे करना, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लीडर के पास लेकर आना. मेंबर्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डोर टू डोर जाकर कन्विंसिंग करते हैं, और लोगों के व्यूज जो है उन व्यूज को सुनने में, या उनको अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बताते हैं. फॉलोअर्स की क्या ड्यूटीज होती है, हमारी ड्यूटी क्या है एज अ वोटर, कोई भी तीन ड्यूटी बता दो. मेरी ड्यूटी, अगर मैं वोटर हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है, टू चेक द
क्या करूं जिसको मैं वोट डाल रही हूँ उसका पास्ट एक्सपीरियंस चेक करूं कि अगर वो पहले एमएलए या एमपी था उसने कंट्री के लिए कुछ किया स्टेट के लिए कुछ किया। नंबर टू फिर मैं उसका चेक करूं कि कोई क्रिमिनल कनेक्शन तो नहीं है वोट करते हुए। थर्ड मेरी ड्यूटी क्या है कि अगर मैं उसको वोट कर दिया तो वोट डालने के बाद 5 साल के लिए मैं आंखें बंद करके ना बैठ जाऊं, मैं उसके काम को क्या करूं इवैल्यूएट। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। इसके बाद फिर आ जाओ फंक्शंस। बच्चे मैं आपको बार बार कह रही हूँ नॉट टू राइट इन पैराग्राफ, राइट इन हेडिंग्स फॉर्म। हेडिंग का मतलब क्या होता है? फंक्शंस हैं, 5 फंक्शन याद रखो। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाती है, ठीक है, कंटेस्ट करती है, इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है, ऑपोजिशन ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? गैदर पब्लिक ओपिनियन एंड और क्या करती है? सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है। तो ये हेडिंग बन गए, इनके आगे दो दो लाइनें लिखो, नंबर वन नंबर, वो भी पॉइंट्स में लिखो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के आपने 5 हेडिंग्स हो गए तो हर हेडिंग को भी आगे पॉइंट्स में करो, पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री। इससे क्या होगा, आपको लिखना कम पड़ेगा और पॉइंट्स के होने से उसको प्रॉपरली अंडरलाइन कर दो ताकि आप अपने जो व्यूज हैं उसको कम वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस कर सको, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लिखते रहोगे, एक्स्ट्रा लिखते रहोगे ना, तो आपका टाइम जो है वो बाकी क्वेश्चन के लिए कम हो। फिर क्या करो, एक एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। सपोज अगर आपके पास बाद में टाइम है तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप एक 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 पॉइंट उसका एक्स्ट्रा कर दो अगर टाइम बचता है तो, क्लियर। तो इस तरह से क्या होगा, आप अपना टाइम जो है डिवाइड करो ताकि हर क्वेश्चन को, हर लॉन्ग क्वेश्चन को आपने 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स का मतलब 5 शॉर्ट पैराग्राफ्स विद प्रॉपर हेडिंग, और उनके भी आपने 2 या 3 पॉइंट्स आगे बनाने, क्लियर। कोई भी 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, सोर्स बेस्ड भी आ सकता है। हाँ जी, हाँ, मैप भी, मैप 1 मार्क, हिस्ट्री का 1 मार्क आ गया। सैंपल पेपर देखो, उसमें जो भी है क्राइटेरिया उसको फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद मेजर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम कंटेस्ट करती है पॉलिटिकल पार्टी, सिंपल है। इसके बाद आगे आ जाओ पार्टी सिस्टम एंड पार्टीज। हमारी कंट्री जो है उसमें मल्टी पार्टी है, लेकिन कई कंट्रीज में क्या होता है, 2 पार्टी सिस्टम होता है, कई कंट्रीज में 1 पार्टी सिस्टम होता है। तीनों में से बेस्ट कौन सा है? नो, हाँ नो नो। सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट, क्या मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई लॉस नहीं है ना, तो हम कैसे कह सकते हैं? आपने क्या बताना है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप सबका बता दो, 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, 3 मल्टी पार्टी क्या होता है, किन किन कंट्रीज में है। फिर हर एक का एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवांटेज बता के एंड में कहो, ईच एंड एवरी पार्टी सिस्टम हैज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सो इन आवर व्यूज वी कैन से दैट नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर एनी कंट्री। हर पार्टी सिस्टम का कोई ना कोई एक एक लॉस बता दो, एक एक कंट्री। इनस्टेबिलिटी, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी, कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो लीडर्स आपस में लड़ते रहेंगे। अगर आप सोचो कि 5 जो है वो मिनिस्टर्स हैं, एक कांग्रेस पार्टी का है, एक बीजेपी का है, एक अकाली दल का है, तो जब वोटिंग होगी तो क्या इनकी वोटिंग 3-2 हो सकती है? नो, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। अगर आपस में लड़ेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट क्या होगा? तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम की डिसएडवांटेज है। व्यूज, लोगों के व्यूज जो है वो वोटिंग, अच्छा कोई भी बिल पास करना है, क्या 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होगा? नो, तो मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी तो मेजोरिटी गवर्नमेंट इजिली बिल पास करवा लेगी। तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो लॉ नहीं बन सकता क्योंकि बिल पास नहीं हुए, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ पार्टीज। 2 तरह की पार्टीज होती है, एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी, 8 पार्टीज के नेम आपको लिखवाए हुए हैं, उनके सिंबल्स, उनके लीडर्स, उनकी आइडियोलॉजी, कोई भी पार्टी डिटेल में आपको आ सकती है, जो जो भी आपने लिखा हुआ। इसके अलावा स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी जो है वो आपको डिटेल ऐसे नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे आ सकता है, राइट अ नोट ऑन स्टेट पार्टीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, राइट अ नोट ऑन द स्टेट पार्टीज ऑफ साउथ इंडिया, राइट अ नोट ऑन स्टेट पार्टीज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने बताना है इन नॉर्थ ईस्टर्न लाइक 7 सिस्टर्स आर देयर, हर स्टेट की एक एक पार्टी और उसका सिंबल, डिटेल में कुछ नहीं बताना। लाइक वेस्टर्न है, शिवसेना बता दो महाराष्ट्र की, गुजरात की बता दो, मध्य प्रदेश जो सेंटर है उसको भी वेस्टर्न में ले सकते हो, सदरन की बता दो, डीएमके, एआईएडीएमके, सारी करनी। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, डे 1 से बताया मैंने कि आपको जो सिविक्स का मैप है इसमें आपने क्या बताना है, पार्टी का नेम और स्टेट याद रखो। मुझे मैप नहीं आना, लेकिन उस मैप की इंफॉर्मेशन आ सकती है, इंफॉर्मेशन आ, सपोज ऐसा भी आ सकता है आपको एक लिस्ट दी जा सकती है,
उस लिस्ट में से रिकॉग्नाइज करो विच इज नेशनल पार्टी विच इज स्टेट पार्टी. तो नेशनल पार्टी के नेम अच्छी तरह से याद कर लो, आठ जो पार्टीज के नेम है, उसके बाद उसमें से पिक एंड चूज है कौन सी नेशनल है उसको अलग करो, रीजनल को अलग करो, ऐसे आ गया. या फिर आपको आ सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न, इनमें से कौन सी लिस्ट आ सकती है, उसमें से कौन सी साउथ की है. सपोज उसमें से कोई मिजोरम की होगी, कोई नागालैंड की होगी, वो थोड़ी साउथ में लिखोगे, ऐसे भी आपको आ सकता है. सपोज उसमें अकाली दल है लेकिन वो साउथ में थोड़ी, उसको अलग से निकाल दोगे कि अकाली दल जो है दैट इज नॉर्थ फ्रॉम साउथ. पिक एंड चूज ऐसे भी आ सकता. तो हर तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है. हाँ वो लगवाता है कि किसी एक स्टेट पार्टी के ऊपर डिटेल नोट नहीं आ सकता, नेशनल पार्टी के ऊपर डिटेल नोट आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है. ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लास्ट टू लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था जो 5 मार्क्स का था. उसमें क्या था, लिस्ट दी गई थी, लिस्ट में से आपको रिकॉग्नाइज करना था कि कौन सी पार्टीज नेशनल है कौन सी रीजनल. दूसरे सेट में आया था कि इनमें से कौन सी पार्टीज जो है वो मेन साउथ की है. तो पार्टीज के नेम आए थे, उनमें से बच्चों ने साउथ की पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया. इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, लेकिन हर रोज एटलीस्ट मैप की जितनी भी पार्टीज हैं, एक तरफ स्टेट और एक तरफ पार्टी का नेम याद, जो जो मेन पार्टीज, ठीक है. अब ईयर तो नहीं याद कर सकते, लेकिन एटलीस्ट स्टेट और पार्टी का नेम जरूर याद करो, बिकॉज वी कांट से एनीथिंग. हर चैप्टर की फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. जरूरी नहीं है कि सैंपल पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन सपोज जैसा भी है, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है वो लॉन्ग में भी आ सकता है, और अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि सीबीएसई की जो पेपर फॉर्मेशन है उन्होंने कैसे की. आपने हर तरह के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट रिकॉग्निशन, आपको पता है नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या होती है रिकॉग्निशन, क्या चाहिए होती है. नेशनल और रीजनल पार्टी बनने के लिए 6% याद रखो, पहले 6% वर्ल्ड याद रखो टोटल वोट्स का. अगर तो नेशनल पार्टी है तो इंडिया में जितने वोट्स पड़े हैं उसका 6% होना चाहिए. अगर स्टेट पार्टी बनना है तो स्टेट में जितने वोट पड़े हैं उसका 6% होना चाहिए, तभी वो पार्टी क्या बनेगी, नेशनल या रीजनल पार्टी. सीट्स अगर आपको ये नहीं आ तो ये बता दो कि अगर किसी पार्टी के 4 MP एटलीस्ट बन गए हैं तो वो पार्टी क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी. और अगर स्टेट पार्टी है, अगर किसी पार्टी के 2 MLA जीत गए तो बन जाएगी स्टेट पार्टी, ठीक है. ये होगी उनकी क्वालिफिकेशन. इसके बाद आगे आ जाओ, चैलेंजेस प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टीज की. नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. कहने को तो हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन पार्टीज डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि उसमें से मेजर डिसीजन कौन लेते हैं, टॉप लीडर्स, हमेशा टॉप लीडर्स ही लेते हैं. दूसरा क्या है, हर पार्टी में, हाँ दूसरा क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन. सेकेंड पॉइंट, यानी कि एक ही पार्टी क्या करती है, फादर है वो कहेगा कि नेक्स्ट टिकट मैं अपने बेटे को ही दूं, आगे बेटा कहेगा नेक्स्ट टिकट मैं अपनी वाइफ या आगे अपने बच्चों को दूं, और इस तरह से वो अपनी ही पार्टी के लोगों को चांस देते हैं चाहे वो कैपेबल हैं चाहे नहीं, ठीक है. थर्ड है डिफेक्शन. हमारी कंट्री में लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इस स्टेट में तो सारे लोग इस पार्टी की तरफ है तो वो क्या करते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट मनी एंड मसल पावर. हमारी कंट्री की प्रॉब्लम क्या है, रोल ऑफ मनी, क्रिमिनल कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड मनी जो है वो इलेक्शंस में यूज की जाती है. देन विमेन वेरी लेस एज कंपेयर टू मेन इन पॉलिटिकल पार्टीज. और क्या बता सकते हो हमारी कंट्री में, सबकी एक ही जैसी होती है एजेंडा. लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस का मतलब क्या होता है, सबका एजेंडा, सबकी मैनिफेस्टोस कॉमन ही होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम किसको वोट करें. कोई भी पार्टी हमें ये नहीं लगता कि डिफरेंट है कि हम उसको जिताएं, ठीक है. इन्हीं को ही हमने रिफॉर्म करना है. रिफॉर्म कैसे करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है अगर कोई पर्सन जीत जाने के बाद पार्टी चेंज करता है तो उसकी कैंडिडेचर क्या हो जाएगी, कैंसल, उसकी जगह पर भी बाई इलेक्शन, फिर उसकी सीट ही कैंसिल हो, वो खड़ा ही नहीं होगी, क्योंकि उसने लोगों को क्या किया है, फूल बनाया है कि लोगों ने, हो सकता है उसके सिंबल को वोट किया, किसी को पता ही नहीं उसका नाम, उन्होंने पार्टी सिंबल को भी वोट किया, तो अब पार्टी चेंज करके वो लोगों को बेवकूफ बना, ठीक है. देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एफिडेविट क्या होता है, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें MP और MLA बनने से पहले पर्सन को अपनी सारी डिटेल देनी पड़ती है, बैंक अकाउंट्स वगैरह जो भी है, ताकि उसका इलेक्शन कमीशन उसके फाइनेंस पे नजर रखे. लेकिन ये लोग फिर भी बेवकूफ बनाते हैं, कैसे, अपने रिलेटिव्स के नाम में अकाउंट खोल दिए, ट्रांजैक्शन अपने मेन अकाउंट में नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनके सारे अकाउंट्स की डिटेल वो नहीं देते, ठीक है. तो ये हमारी कंट्री में चाहे हम कहते हैं लेकिन फिर भी करप्शन है ना. देन
इसके बाद फिर आपने बताना है विमेन, विमेन जो है उनको रिजर्वेशन के लिए 33% सीट्स दी गई हैं, बट स्टिल मेनी विमेन आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, विमेन आगे नहीं आ रही। देन इसके बाद गवर्नमेंट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस के लिए, गवर्नमेंट क्या करे, मनी प्रोवाइड करे। कैसे प्रोवाइड करे, कि मिनिमम तो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि एमपी बनने के लिए किसी पर्सन को कितने एटलीस्ट कितने को खर्च करने चाहिए, 25 लाख, और एमएलए बनने के लिए 10 लाख, लेकिन फिर भी लोग इसे ज्यादा करते हैं, तो गवर्नमेंट ने स्टॉप करने के लिए जो है चाहे लिमिट बना दी है, लेकिन फिर भी लोग इससे बहुत ज्यादा करते हैं। रैलीज में जो खर्चा होता है गवर्नमेंट व्हीकल्स के, पेट्रोल, गवर्नमेंट व्हीकल तो यूज नहीं करते, दूसरे प्राइवेट करते हैं, पेट्रोल का खर्चा होता है पूरा मंथ, पार्टी ऑफिस में जो खाना होता है वो फ्री होता है, वो खर्चा कौन करता है, उनके आने जाने का खर्चा, उनके पोस्टर्स प्रिंट करवाने का खर्चा, टीवी में उनके एडवर्टाइजमेंट्स का खर्चा, तो ये सारा खर्चा जो है एटलीस्ट 25 लाख से नहीं हो सकता या 10 लाख से नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हमें, हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से दे लेकिन कम दे, गवर्नमेंट सबको एक जैसा दे कि अगर इलेक्शन जीतने तो इसमें से करके दिखाओ, तो फिर देखते कि कौन ऑनेस्टली जीते, ऐसा होगा तो मनी का जो रोल है वो अपने आप कम हो जाए। डू यू थिंक कि एक ऑनेस्ट लीडर इलेक्शन लड़ने का सोच सकते हैं, उसके पास पैसा ही नहीं, वो हार जाएंगे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कौन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे ये हो गए सजेशंस, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग, कोई भी क्वेश्चन आए, सीधा क्वेश्चन नहीं हो सकता, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। लाइक ये देखो, प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, डेमोक्रेसी क्या करती है, सिटीजन्स में इक्वालिटी जो है प्रमोट करती है, लॉ इज इक्वल टू ऑल। एनहांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी कैसे देती है सबको इक्वालिटी, क्या हिटलर ने डिग्निटी दी थी, हिटलर ने दी थी, किसको नहीं दी, ज्यूइश को नहीं दी, विमेन को नहीं दी, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, ठीक है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग को, अगर लीडर से कोई भी गलती होती है नेक्स्ट इलेक्शन में वो नहीं हार जाएगा तो उसको अपनी गलतियां पता लग जाएंगी, तो उसको पता है कि मैंने क्या गलतियां की, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उसको चांस देंगे। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, हर पर्सन को, हर पार्टी को अपनी गलती इंप्रूव करने का एक सेकेंड चांस देती है, ठीक है। देन प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज हैं या जितने भी हमारी कंट्री में अलग अलग कास्ट हैं, इनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसको सॉल्व करते। 1947 से लेकर आज तक स्टेट्स ने डिमांड की अपनी सेपरेट स्टेट्स की, तो उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया गया, कोई भी ग्रुप अपनी कोई भी डिमांड करता है तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उनकी डिमांड्स को, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करती है। देन अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, सिंपल अगर कहा जाए तो इसमें क्या है कि आपको रूम देती है मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए, क्या सच में कोई रूम देती है, क्या मतलब है इसका, चांस, जैसे आपको PT1 का चांस दिया, PT1 में मार्क्स कम आए तो आपको चांस दिया, PT2 में कम आए टर्म 1 ही होगी वो आपकी, फिर दिसंबर एग्जाम्स हम कहेंगे कि वी हैव गिवन चांस टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। देन रिविजन टेस्ट, अब आपके हाथ में रिविजन टेस्ट है, दैट इज अ चांस टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। अब फिर आएगा प्री वोट, स्टिल देयर इज अ चांस, यू कैन रीड, यू कैन वर्क हार्ड। देन फिर क्या होगा, फाइनल एग्जाम। ऐसे ही अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हर लीडर को, हर पॉलिटिकल पार्टी को चांस देती है बार बार पावर में आने, ठीक है, वो तभी जब वो लोग सोशल वेलफेयर ज्यादा करें। आगे आ जाओ, नेक्स्ट 3 वर्ड्स बहुत अपने माइंड में रखने हैं, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कॉमन पीपल, एंड लेजिटिमेट का मतलब होता है वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स आपने याद रखना है, व्हाई वी प्रेफर डेमोक्रेसी देन एनी अदर फॉर्म, तो पिछले ये लाइनें भी लिख दो और ये वर्ड्स भी लिख दो सारे, मतलब अपने एडवांटेज बताने हैं, पर प्लीज अपने माइंड में रखना डेमोक्रेसी का कोई भी सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आपको स्टेटमेंट से ही ढूंढना पड़ेगा। अगर तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपने प्रेज करनी है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव बताना है। अब आगे नेगेटिव देखो क्या है, डू यू थिंक इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज मच हायर, नो। अब कंपेयर करो अपनी कंट्री को दुबई के साथ, क्यों हमारी कंट्री दुबई के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को आधे से ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे करना पड़ता है, सोशल वेलफेयर में। सोशल वेलफेयर का मतलब एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन फ्री है, फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, उनको फैसिलिटीज देनी पड़ती है, तो कितना खर्च तो गवर्नमेंट इन पे कर रही,
तो ऐसी कंट्रीज, लेकिन दुबई जैसी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहां पे क्या करते हैं डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा ज्यादा करते हैं, तो वहां पे सोशल वेलफेयर नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है टारगेट गवर्नमेंट का, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वहां पे गवर्नमेंट का टारगेट होता है सोशल वेलफेयर, इसलिए शायद ये कंट्रीज थोड़ा पीछे रह जाती है। स्टिल देयर इज अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, लेकिन दुबई में भी बेसिकली ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट जो है वो उनका जो मोटिव है वो सोशल वेलफेयर नहीं है। तो यही रीजन है कि ऐसी कंट्रीज में स्टेबल गवर्नमेंट होती है। हमारी कंट्री में क्या है, कभी कोलिजन गवर्नमेंट आई, कभी ऑपोजिशन, ऑपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, ठीक है, तो ये भी कई रीजन हो सकते हैं। अच्छा थर्ड क्या हो सकता है, कैपेबिलिटी, पॉपुलेशन बहुत है, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, अगर पॉपुलेशन कम होती तो शायद गवर्नमेंट को पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़ती, ठीक है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के कारण हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इज नॉट मच हायर एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। आगे आ जाओ, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, हाउ डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग रिलीजन है, मैन और वुमेन है, इनको कैसे डेमोक्रेसी कैसे इनको अकोमोडेट करती है कि सबको बराबर का हक मिले। नंबर वन, हाँ, लॉ इज इक्वल टू ऑल, ऑल द सेक्शन, इवन मैन एंड वुमेन दे आर गिवन इक्वल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू देम। देन थर्ड, वीकर सेक्शंस दे आर गिवन स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसीज, वुमेन दे आर गिवन इक्वल स्टेट, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल सैलरीज, ठीक है, इक्वल वेजेस आर देयर। देन इसमें फिर आप क्या बता सकते हो, दैट सम ऑफ ह्यूमन राइट्स हैव बीन गिवन टू ऑल, इन इन दिस वे वी कैन से दैट दैट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, लाइक मुस्लिम्स हैं दे आर आल्सो गिवन इक्वल राइट्स, सेकुलरिज्म इज देयर, तो इन दिस वे वी कैन से दैट सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री ही सोशल डाइवर्सिटी को क्या करती है, अकोमोडेट। क्या हिटलर ने किया था, हिटलर ने किया, क्यों, क्या किया था हिटलर ने, डिक्टेटर था, उसने क्या किया, जूइश को क्या कर दिया, अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो अपनी रेस को प्रमोट करना चाहता था, लेकिन हमारे ऐसे कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ, अब ये वाला पैराग्राफ मैंने बोला था, इसको अच्छी तरह से रीड करो, कितने हर लाइन पे क्वेश्चन है, अब तीन चार लाइनें देखो। एज डेमोक्रेसी पास वन टेस्ट इट प्रोड्यूस अनदर, अपने पे लो इसको, कि हमें जो है सबसे पहले हमें रिविजन टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद प्री बोर्ड देना पड़ता है, फिर फाइनल एग्जाम। ऐसे ही हमारी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हैज टू पास वन टेस्ट एंड देन अनदर। इसका एग्जांपल मूवमेंट्स के साथ ले लो, फार्मर्स की जो मूवमेंट, गवर्नमेंट ने फार्मर्स की बातों को मानकर एक फार्मर एक्ट जो है वो रिपील कर दिया। अब मे बी वन वीक के बाद कोई और ग्रुप खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि हमारी डिमांड्स है, तो गवर्नमेंट के सामने चैलेंज आएगा। इसका मतलब है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है वहां पे लोगों के डिमांड्स बढ़ती ही रहती है और लोग डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो चैलेंज किसके सामने है, गवर्नमेंट के सामने। क्या गवर्नमेंट हर अनजस्ट डिमांड को फुलफिल कर लेगी, तो गवर्नमेंट को कितना सोचना पड़ता है। ये क्वेश्चन क्या है, एज डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर। पांच साल के लिए खुद सोचो कि प्राइम मिनिस्टर की जॉब जो है वो आपकी तरह रिलैक्स नहीं होती, उनको कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी पॉलिसीज बनानी पड़ती, हर तरह के सेक्शंस को, हर तरह के लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता, और इसमें कई बार क्या होता है कईयों को वो सेटिस्फाई कर पाते हैं, कईयों को सेटिस्फाई नहीं भी कर पाते। चैलेंजेस क्या है, आपने स्टार्ट कहां से करना है, नंबर वन, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डिमांड्स ऑफ पीपल आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा डिमांड्स होती है, सम सेक्शंस देयर डिमांड्स आर फुलफिल्ड एंड सम सेक्शंस देयर डिमांड्स आर नॉट एबल टू फुलफिल। थर्ड, जिनकी डिमांड्स फुलफिल होती हैं, अगर आपकी एक डिमांड पूरी हो जाएगी आप क्या करोगे, यू विल डिमांड अनदर। एंड वन, एज डेमोक्रेसी पास वन टेस्ट इट हैज टू प्रूव अनदर, यानी कि जब डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट एक डिमांड को पूरा कर लेगी अगला ग्रुप अपनी डिमांड को ले आए, और जिनकी डिमांड पूरी नहीं होती वो फिर क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, रैलीज करेंगे, जिनकी हो जाएंगी वो और डिमांड करेंगे, और इस तरह से ऐसी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी। आगे देखो, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी फंक्शंस एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर ये स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट आपको बताती है कि अगर, अच्छा दो कंट्रीज बताओ, एक कंट्री है इंडिया और एक कंट्री सपोज बांग्लादेश, इंडिया के सिटीजन अवेयर हैं, गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं, बांग्लादेश में गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, विच
country's population is much aware and enlightened. India. हाँ, लेकिन अगर गलत बना रहे हैं तो फिर गलत. ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. आप देखो रशिया के लोग क्या अपोज कर रहे हैं कि रशिया अटैक ना करे यूक्रेन के ऊपर, कहीं न्यूज नहीं आ रही. लेकिन अगर इंडिया अटैक करता ना किसी और कंट्री के ऊपर तो ऑपोजिशन क्या कहती, क्या कहती कि देयर इज अ लॉस ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का लॉस हो रहा है, डिफेंस गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफेंस छोड़कर कहाँ पे करे, गरीबों के ऊपर खर्चा करे या कुछ. तो इसका मतलब है कि जब लोग डिमांड करते हैं ना, इट मीन्स लोग अवेयर है. अच्छा, वो भी बात छोड़ो, आपकी क्लास है, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ. इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, इट मीन्स यू आर अलर्ट, यू आर अवेयर. इफ यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, इट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग. समझ आ? ठीक है, क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चनिंग करना अपने में ही क्या है, एक क्या है, दैट यू आर अवेयर, यू आर इन टच विद द सब्जेक्ट. आप क्वेश्चन नहीं करते हो, इसका मतलब क्या है कि या तो आपको समझ आ रहा है या आपको आपने पढ़ाई नहीं. क्लियर? ऐसे ही बींग अ सिटीजन, बींग अ अवेयर सिटीजन, हमें क्या, हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है, टू बी एक्टिव एंड टू रीड द न्यूज प्रॉपरली, टू लिसन द न्यूज. और उन न्यूज में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे आपने देखा न्यूज पेपर में लेटर टू एडिटर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक पेज होता है जिसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो लोग अपने उसमें प्रॉब्लम्स बताते हैं. आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप बताओ, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो नहीं बताओगे, लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी आप नहीं बताओगे, इट मीन्स यू आर नॉट अवेयर. ये इसका मतलब है. आगे देखो, इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, एज डेमोक्रेसी पास वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर. सेम स्टेटमेंट वही आ गई. आगे देखो, ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो स्टेटमेंट्स आपको बार बार, आंसर सेम ही रहेगा. ठीक है, एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर, वो भी आंसर सेम ही. हाउ कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमनी टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. वर्क हार्ड, कंप्लेंट करोगे तो गवर्नमेंट हार्ड करेगी, लेकिन कंप्लेंट ही नहीं करोगे गवर्नमेंट को लगेगा हम जो कर रहे हैं ठीक है. और जो लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, इट मींस वो क्या है, या तो सेटिस्फाई है या सेटिस्फाई नहीं है. कंप्लेंट करना ही एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सक्सेस है. क्लियर? ओके, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बलजिंदर, भूमिका, कार्तिक, अविश, केशव, माधव, तृप्ति, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. हाँ जी भूमिका. मैम मेरा एक क्वेश्चन था. मैम जैसे स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो जो लीडर्स खड़े होते हैं तो उनको भी एफिडेविट देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को. सेम रूल इज सेम. क्लियर? ओके मैम. यस मैम, थैंक यू मैम.